फ्रेंड, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भरवा मिर्ची की रेसिपी। ये मिर्चियाँ मोटी और बड़ी बड़ी होती है। इस मिर्चियों को ज्यादातर लोग तल कर बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसे कम से कम तेल में बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए हम इसकी तैयारियां करते हैं। ये मिर्चियाँ इस प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, भरवा मिर्ची के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी भुना पीसा मूंगफली दाना, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, नमक भी आप टेस्ट के अनुसार डालिएगा, 1 बंच धनिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये खाने का सोडा 1 पिंच। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हल्का लूज बैटर तैयार कीजिए। एकदम पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स कीजिए। इसे और थोड़ा पतला करना पड़ेगा। इसे इतना ही पतला कीजिए कि वो मिर्चियों में उसका फिलिंग हो सके। अच्छे से मिक्स कीजिए, बेसन की गांठें नहीं रहना चाहिए। अब इस मसाले में से 1/2 मसाला एक साइड निकाल लीजिए और 1/2 मसाले में इस तरह से पानी डालकर इसे थोड़ा और लूज कर लीजिए, क्योंकि हम इससे मिर्चियों को कवर अप करेंगे। यह मसाला इतना ही लूज होना चाहिए कि मिर्चियों को कवर हो सके, ज़्यादा पतला होने से मिर्चियों पर टिकेगा नहीं। और ये है मिर्ची का फिलिंग मसाला। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मसाला थोड़ा सा भीग रहा है, तब तक इन मिर्चियों को हम चीरा लगा लेंगे ताकि इसकी फिलिंग कर सके। तो चीरा आपको इस तरह से लगाना है, ये देखिए, इस तरह से आप सारी मिर्चियों को चीरा लगा के तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भीग चुका है और अब हम मिर्चियों की फिलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा भरना है इस तरह से। सारी मिर्चियों में ये जो हमने थोड़ा सा गाढ़ा मसाला रखा है वो भरना है। तो इस तरह से मिर्चियों की फिलिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, गैस को ऑन करके उस पर मैंने कढ़ाई रख दी। मिर्चियाँ हमको फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी तेल इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए 1 से 1.5 चम्मच आपको इसमें तेल डालना है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। ये हल्का गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मिर्चियाँ छोड़ते हैं। तो देख, इस तरह से मिर्चियों को बेसन में लपेटना है और इन्हें इस तरह छोड़ना है। आप पहले साइड से मिर्चियाँ छोड़िए, बीच में छोड़ेंगे तो ये जल जाएगी। गैस को स्लो फ्लेम पे रखना है। मिर्चियों को बेसन से कोटिंग करते हुए तेल में छोड़ते जाइए। इस तरह से हमने सारी मिर्चियाँ छोड़ दी है। अब जो ये बेसन बचा है, इस बेसन को आप इन मिर्चियों के ऊपर इस तरह से छोड़ दीजिए। ताकि मिर्चियों की अच्छे से कोटिंग हो जाए। सारी मिर्चियां हमने तेल में छोड़ दी है।
और अब 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखना है, इस बात का आप ख्याल रखिए। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे खोलकर देखते हैं। मिर्चियाँ पक रही हैं, लेकिन ये बीच की मिर्चियाँ जल्दी पक जाती हैं और साइड की रह जाती हैं, इसलिए आप कढ़ाई को थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करेंगे। आपको इस तरह से कढ़ाई घुमा घुमा के आसपास की मिर्चियों को थोड़ा सिकने देना है। फिर इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर से 1 मिनट हो चुका है और हम फिर से इसे खोल कर और इस तरफ से सिकने के लिए रखेंगे। आप कढ़ाई को इस तरफ तिरछा करेंगे और इसे फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे। फिर 1 मिनट हो चुका है और हम फिर से इसे खोलकर देखेंगे। अब इस तरफ से ये थोड़ी सी बाकी है, इस तरफ से हम इसे तिरछा रखकर और फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, इन मिर्चियों को बनाने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर 1 मिनट हो चुका है और हम इसे खोलकर देख सकते हैं। अब ये देखिए, तेल अच्छी तरह से इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब मिर्चियाँ अच्छे से सीख चुकी हैं। अब जो मैं करने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। पलटे की सहायता से इस तरह से छुड़ा लीजिए। ये देखिए, ये कढ़ाई को छोड़ चुकी है। अब हमें इसे कैसे पलटना है, तो देखिए इसे इस तरह से पलटना है। ये देखिए, ये अच्छे से पलट चुकी है और देखिए मिर्चियाँ कितनी अच्छे से नीचे से पक गई है। लेकिन अभी ये दूसरी तरफ से बाकी है, इसलिए आप थोड़ा सा प्रेस करते हुए आपको फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। इसे हर 1 मिनट में कढ़ाई को तिरछे करते हुए रखना है और हर 1 मिनट में इसे ढकना है और हर 1 मिनट में इसे कढ़ाई को घुमाते हुए सेकना है ताकि मिर्चियाँ अच्छे से सिक जाए। 1 मिनट हो चुका है और हम इसे फिर से खोलकर देख रहे हैं। अब आप इस तरह से इसे इसी तरह आपको कढ़ाई घुमा घुमा के इन मिर्चियों को सेकना है, क्योंकि यदि हम इसे बार बार हिलाएंगे तो इसका कोटिंग निकल जाएगा और मिर्चियाँ अच्छी नहीं लगेगी। फिर से 1 मिनट हो चुका है और अब ये मिर्चियाँ इस तरफ से सिकना बाकी है, इसलिए इस तरफ से रख के फिर 1 मिनट ढक देते हैं। 1 मिनट फिर से हो चुका है और अब हम मिर्चियों को कढ़ाई सीधी करके मिर्चियों को देख लेते हैं। अब आप इन मिर्चियों को देख सकते हैं इस पलटे से कि वो नीचे से सिक गई हैं क्या। तो देखिए, ये अच्छे से सिक गई है नीचे। आप यदि और थोड़ा सा सेकना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए और रख सकते हैं, लेकिन ये अब हो चुकी है। तो देखिए मिर्चियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।